जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में भदेवरा के रहने वाला युवक घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का रहने वाला बीजेपी का मंडल अध्यक्ष गुड्डन पटेल अपने साथियों के साथ बाहर निकला और युवक के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसका युवक ने विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गुड्डन पटेल ने अवैध तमंचे से उसको गोली मार दी। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजन गोली की आवाज सुनकर बाहर पहुंचे, तब तक बीजेपी मंडल अध्यक्ष अपने साथियों के साथ मौके से भाग गया। परिजनों ने युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। उनके भाई मानू खान को किसी के द्वारा बाएं पैर में गोली मार दी गई है। इस सूचना पर इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम वहां पे पहुंची और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी रेफर करके उनको झांसी भेजा गया है और शानू खान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही जांच पड़ताल के बाद की जाए। कितने लोगों की सर इस मामले में गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में अभी तो पूछताछ के लिए ही चल रहा है ना, गिरफ्तारियाँ भी कुछ हुई हैं। बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की तरफ से सूची उपलब्ध नहीं होने पर, वितरण के दौरान स्वयं सहायता समूह के लोगों को नहीं बुलाने पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जन सुनवाई में जिलाधिकारी को पत्र देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ज्ञापन दिया और आरोप लगाया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से शिकायती पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम सर जय माँ सरस्वती समूह से हूँ और मैं विक्रय करती हूँ। मैं साल भर से ऊपर हो गए हैं, अपना ही घर से जब कोटदार राशन दिए हैं तो अपना घर से राशन मिलाकर बंटवाए हैं। उस समय में लड़ते झगड़ते आज तक ले हम बांटने आए हैं। जब चार बार हम चारों आंगनबाड़ी के पास ले गए हैं राशन, तो वो तीन बोल रहे हैं कि हाँ मिले हैं, एक गुम कर दिए हैं। उसको भी ना CDPO खोज रहे हैं ना सुपरवाइजर खोज रहे हैं कि हम लोग राशन उठान कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी रिसीव करके एक भी बच्चे को दे नहीं रही है, सब बेच दे रही है सर। हम लोग रोक रहे हैं लोग की सूची दो, हमको नाम हम दो बच्चे लोग का कि ताकि हम लोग भी खड़े होकर बंटवाया जाए, तो बुला नहीं रही है सब। अपने जो भी मैडम है, पहले तो सुपरवाइजर थी गिरजा में, तुम लोग से कोई मतलब नहीं है, बेचे या खाए। बांदा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की तरफ से गांजे का अवैध कारोबार करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 200 किलो सूखा गांजा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल कर रहे ट्रक और 2 4-पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए सभी अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए, हम लोग को लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि जनपद में दूसरे प्रदेशों से अवैध जो है ड्रग्स, खासकर जो गांजे का काम हो रहा है, यहाँ पे लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको और बड़े मात्रा में इसकी खपत हो रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक अभियान के तौर पर हम लोगों ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया है। वो ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उसी ऑपरेशन के क्रम में एक बड़ी सफलता आज बांदा पुलिस को मिली है, जिसमें कि 200 किलो गांजा उसकी खेप पकड़ी गई है और उसकी लगभग जो इंटरनेशनल 20 लाख रुपए के आसपास है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको सुनाते हैं। जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में पहले के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था और दूसरा मनमानापन निकालने की व्यवस्था, गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन मनमानेपन तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके बारे में विभाग एक बार व्यवस्था कर लें कि विद्यालय में इन चीजों की बाध्यता
भाई कोई गरीब महिला किसी विद्यालय में अगर रसोई बनाने का काम कर रही है, उसकी मजबूरी है, उसके घर की व्यवस्था उसी से संचालित भी होती है। इसलिए मनमानापन हटाने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। पाले की बाध्यता की व्यवस्था के बारे में भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए कि यह व्यवस्था न हो। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उधर बच्चों के साथ उसका एक आत्मीय संवाद होता है, उस आत्मीय संवाद को बनाए रखने के लिए उसकी सेवा को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें, उस इन दो प्रकार की बाध्यताओं को समाप्त करें और प्रतिमा 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अंशकालिक अनुदेशक है, अनुदेशकों को अब तक हम लोग 7,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर देते रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब आपकी तैनाती की कार्रवाई हुई थी 2009 में और उसके आरटीई के अंतर्गत जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी थी, 2013 के बाद से कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ती गई, लेकिन बाद में आरटीई के अंतर्गत पहले भारत सरकार ने ही इस पर प्रदेश सरकार के साथ कहा था कि इन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, वह व्यवस्था वहां पर एक प्रकार से खंडित सी हो गई। राज्य सरकार को सारी व्यवस्था का भार स्वयं उठाना पड़ रहा है और उन स्थितियों में भी राज्य सरकार किसी भी अनुदेशक की सेवाएं समाप्त नहीं किया, बल्कि उनकी सेवाओं को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाए रखते हुए अभी भी उन लोगों को, यानी हमारे पास लगभग 1.25 लाख नए शिक्षकों की तैनाती होने के बाद भी उनकी सेवाओं को आगे निरंतरता बनाए रखने की कार्रवाई सरकार कर रही है और हमारी मंशा भी है कि हम उनकी सेवाओं को लेकर के एक सुविचारित मत लेकर के हम आगे बढ़े, जिससे उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना आने पाए। और आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर अनुदेशक हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी अनुदेशक वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इस अवसर पर जो यहाँ पर मेरे पास प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानते हैं इसमें प्रतिमा हम लोग 2,000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे उनके मानदेय को हम एक सम्मानजनक स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही अनुदेशकों के साथ बैठ करके विभाग इस बारे में एक सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में उनकी सेवाओं को कैसे हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें, जिससे उनके पास एक जॉब की गारंटी हो सके। आप इस बात को देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह जहां पर सरकार ने, तमाम राज्य सरकारों ने मानदेय में कटौती की है, वहीं राज्य सरकार इस मानदेय में बढ़ोतरी का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी अनुदेशकों को, रसोइयों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सब बेसिक शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से एक बार फिर लोगों में दहशत का माहौल है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मामलों ने लोगों में और दहशत का माहौल फैला दिया है। वहीं बस्ती में कई महीने बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है, जहाँ विशनपुर व गाँव का निवासी युवक मुंबई से अपने घर पहुंचा था। वहीं जब बस्ती रेलवे स्टेशन पर उसकी जांच की गई तो जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और गांव में जाकर युवक को होम आइसोलेट किया गया। साथ ही उसके बाद उसके साथ जो 3 अन्य युवक आए थे उनकी भी जांच कराई जा रही है। जनपद में आज एक नया कोविड का केस मिला है और कल मिला है। इसकी स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर सैंपलिंग हुई थी। ये मुंबई से आया हुआ ट्रैवलर है और ये जो है कोविड पॉजिटिव है, वर्तमान में होम आइसोलेशन। इसके साथ 3 और लोग थे साथ में, तो उनको भी है वर्तमान में, वो लोग भी होम आइसोलेशन में।
एटा के जीटी रोड स्थित घंटाघर पर हजारों की संख्या में एकत्रित व्यापारियों और बीजेपी के सदर विधायक विपिन वर्मा, डेविड और पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत जुगेंद्र सिंह यादव, प्रसपा के जिला अध्यक्ष शराफत हुसैन काले और अन्य शुभ चिंतकों ने भारी पुलिस बल की सुरक्षा में अलीगढ़ से आए साड़ी संसार के मालिक संदीप गुप्ता के पार्थिव शरीर का दर्शन और पुष्पांजलि अर्पित कर शोक श्रद्धांजलि दी। वहीं इसके बाद संदीप गुप्ता का पार्थिव शरीर अलीगंज के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि अल्ट्राट्रैक सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर संदीप गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभय खंड इलाके में अवैध रूप से चल रहे एक हुक्का बार पर छापेमारी करते हुए हुक्का बार संचालक के 13 सहयोगियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस दौरान मौके से शराब की विदेशी बोतलें समेत 29 हुक्का और नशे की अन्य सामग्री भी बरामद की है। जैसे ही पुलिस हुक्का बार पर छापा मारी करने पहुंची तो हुक्का बार संचालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस हुक्का बार संचालक की तलाश में जुट गई है। इंदिरापुरम पुलिस व आबकारी विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में किंग कैफे नाम से अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पे छापा मारा गया तो वहाँ करीब 20 बोतल देसी विदेशी ब्रांड की शराब व 250 बोतल बियर, करीब 29 हुक्के तथा अन्य नशे की अवैध सामग्रियां बरामद हुई और वहां पे 13 लोग जो हुक्का संचालक उनके सहयोगी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने रिक्शा सवार से 11,000 की नकदी और मोबाइल लूटने की कोशिश की। वहीं युवक के विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने घायल युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में एक युवक लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। एक महीना बीत गया लेकिन युवक का पता नहीं लग सका। वहीं परिजनों का कहना है कि कॉल डिटेल में पता लगा था कि युवक को फोन पर मुजफ्फरनगर क्षेत्र से अन्य युवकों का फोन आया था और फोन आने के बाद वो घर से चला गया था। आरोप है कि युवक को लापता करने में उन्हीं 3 युवकों का हाथ है। इसी के साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है और युवक को गायब करने में शामिल आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है। सर्वप्रथम तो जो हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है ग्राम सहित यात्रा, उसके तहत हमने एक निर्णय किया कि हमारी दूरस्थ ग्राम ये न्याय पंचायत छिमली है, उसमें हम इसको मनाएंगे। और आज सब लोगों ने यहाँ पर आकर, हमारे पूर्व विधायक जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और हम इस कार्यक्रम को प्रत्येक गांव गांव तक जहाँ तक सही होगा वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। मैं ज़्यादा न कहते हुए पुनः एक बार आप सभी लोगों का जो यात्रा में शामिल हुए। सबसे पहले तो ये हमारे ग्राम सिमली के दूरस्थ क्षेत्र ये दीवार गांव, तो आज तक यहाँ पे शायद कोई प्रतिनिधि आया नहीं, तो हमारी प्राथमिकता ये रही कि हम अपने इस वीर ग्राम में जाएं। हमारी ये एक यात्रा है, वीर ग्राम प्रणाम एक यात्रा है, तो हमारा गांव वीर ग्राम से है। हमारे गांव में आज सबसे पहले हम श्री अनुसूया सिंह को श्रद्धांजलि दी, श्रीलंका में शहीद हुए। नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की और चिकित्सालय में भोजन, दवाएं आदि की जानकारी भी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान आईसीयू वार्ड, डायलिसिस, CNCU, आपातकालीन विभाग आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कर रहे हैं, उनको निःशुल्क इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी मैंने सैंपल के तौर पे 2-4 केसेस निकाल के देखे और उसमें भी काम हो रहा था। केवल यहाँ पे
मुझे ऐसा लगता है कि जो वार्ड्स दूर से आते हैं, जो उनका रैन बसेरा बीच में बंद हो गया था, कोशिश करेंगे भी डॉक्टर साहब से बात करके कि उसको कैसे हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज लोग को फिर कॉरिडोर्स में रुकना पड़ता है। सर बात है, कई विभागों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर खाली हो चुके हैं या ट्रांसफर हो चुके हैं, इस वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसमें मेरा पहला तो मेरा फोकस इस बात पर है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा इस्तेमाल, बहुत कुछ हॉस्पिटल के पास पहले से ही है, उसका अच्छा यूज़ होना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स, डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्मोड़ा भी गए हैं, उसमें अभी गवर्नमेंट स्तर पे हम बातचीत करेंगे ताकि हर तरह से जो हमारा ये सुशीला तिवारी अस्पताल है ये हर तरीके से इक्विप्ड हो, मैनपावर वाइज इक्विप्ड हो, मशीनरी वाइज भी इक्विप्ड हो। दिनेशपुर में अंडर 16 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का बड़ा धूमधाम के साथ शुभारंभ किया गया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम मैदान में प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 28 राज्यों से आए कबड्डी खिलाड़ियों की तरफ से दिनेशपुर नगर क्षेत्र में एक रैली भी निकाली गई। इस दौरान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को 16,25,000 की धनराशि राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है और इसमें बहुत सारी सुविधा भी आ गई है। पहले प्रतियोगिता बहुत कम मात्रा में आया करती थी, अब एक FI भी यहीं पर होने लग गया। घर से निकला तो मेरी मम्मी ने बोला यहाँ पर बहुत ठंड होगी, फिर भी मैंने बहुत साहस किया, टीम के साथ आया और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये ट्रॉफी जीत के ले जाएंगे। अब जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप का आयोजन आज इसी छोटे से इलाके में संपन्न होगा और इससे नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और निश्चित ही हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस पिछड़े हुए इलाके में जो हम लोगों ने ये मिनी स्टेडियम बनाया, स्कूल बनाया, इन अवस्थापनाओं को बनाने का औचित्य बनता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएँ होंगी। चमोली में पील कोठी के पास एक कार रोड से करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये कल जो दुर्घटना हुई है पीपलकोटी किरोली मार्ग में, इसमें गाड़ी गिरने की सूचना थी, जिसमें थाने की फोर्स जो है वहाँ मौके पर पहुँच के उन्होंने 4 लोगों को निकाला, जिसमें से 2 जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है, इसके अलावा जो है यातायात निरीक्षक को भी अलग से निर्देशित किया गया है कि स्पेशल एक अभियान चलाएँ और बैरियर्स लगा के जगह जगह पे जो है चेकिंग भी करवाएं, ये ओवर स्पीडिंग वाली भी चेकिंग और शराब पीकर जो है वाहन चलाने वालों को खिलाफ भी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। सितारगंज में मंडी समिति में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि निविदा से पता चलता है कि USCMCL ने किसानों के तथ्यों से छिपाते हुए उनके हितों की अनदेखी कर निविदा जारी की। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी और कपटतापूर्ण व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं इस बैठक में चीनी मिल को PP मोड में दिए जाने की निविदा में दिए गए तथ्यों पर आपत्ति जताते हुए सुधार करने की मांग की गई। जिस तरीके से आपको पता है कि चीनी मिल जो बंद कर दी थी आज से 4 वर्ष पूरे 2017 में, बिना सोचे समझे चीनी मिल सितारगंज को बंद कर दिया था और हमारे यहाँ के क्षेत्र के किसानों ने चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति बनाई। उसके बाद में जो हमारे डॉक्टर जगदेव सिंह जी हैं वो विधिक लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं चीनी मिल की, तो मुख्यमंत्री बदले गए, 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बदले गए, तो इसी क्षेत्र के हमारे खटीमा क्षेत्र के पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ से मुख्यमंत्री बने तो दबाव था निश्चित रूप से यहाँ के विधायकों पर भी और मुख्यमंत्री पर भी चीनी मिल चलाने को, क्योंकि वो भी क्षेत्र के किसान हैं मुख्यमंत्री भी, और उन्होंने चीनी मिल चलाने का जो पहल की किसानों ने उसको सराहा भी। सरकार ने फैसला किया है कि
सीतागंज चीनी मिल को पीपी मोड़ पर दिया जाए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन हम किसान भाई ये चाहते हैं कि इस चीनी मिल पर जो है किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर सभा करके और किसान प्रतिनिधियों की बैठक करके एक लेटर तैयार किया है जो हम शुगर के इनके एमडी और केन कमिश्नर या अन्य उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं और चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधियों से वो वार्ता करें। हल्द्वानी में जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड की संस्कृति रीति रिवाज खान पान को लेकर उत्तराखंडीय अभियान कार्यक्रम की जोरदार तरीके से शुरुआत की, तो वहीं कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंडित को पूरे राज्य में अभियान के तौर पर कांग्रेस जगह जगह जाकर लोगों को जानकारी देगी। उनका कहना है कि उत्तराखंड का निर्माण जिस उद्देश्य और जनता की जरूरतों को देखते हुए किया था उसे उत्तराखंडीयत कार्यक्रम के रूप में कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। शुभारंभ है इसको, हम एक अभियान के रूप में उत्तराखंड के एक नव अभियान के रूप में, ताकि उत्तराखंडियत जिसके लिए ये राज्य बनाया गया, जिसके चारों तरफ ये सारी उस समय के नारे, उस समय का बलिदान सब कुछ लिखा हुआ है, वो आगे आ सके, वो अभियान की शुरुआत।